Welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that bacterial and fungal infection in the cell culture. Okay, both are easily identified by the help of naked eye. Okay, some are the parameters which are discussing in this video lecture. First is that turbidity. Whenever you are observed continuously the cell culture, it is something like observed as a very very turbid like structure, and turbid means that it is necessary to replace the media by the help of fresh media adding, means that subculturing karna padega aapko. Okay, second thing is that if the culture media change the color due to acidic pH or due to alkaline pH, it is a आइडेंटिफिकेशन फीचर. ओके, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएच जो है वो कम हो रही है तो भी कल्चर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. ओके, देन आफ्टर वन, थर्ड वन इज दैट बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन इज दैट मोटाइल राउंड बॉडीज. ओके, अगर मोटाइल राउंड बॉडीज जो है वो बैक्टीरिया के एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है, आप माइक्रोस्कोपिकली अब ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर fungal identification is that if the long hyphal growth and fusi colony is that found, means that it is a fungi grow in our cell culture. Okay, तो इन दोनों को अब कैसे replace out करेंगे, या फिर आप ऐसा करने वाले हैं कि ये culture का growth, bacteria का growth बहुत ही कम है. okay, तो पूरा का पूरा हम culture जो है वो destroy या फिर उसे कम्प्लीटली बाहर तो नहीं कर सकते. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंटीबायोटिक्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ऐसे एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलिन एंड ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमें क्या करने पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी. ओके, पेनिसिलिन जो है वो क्या करती है, तो पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है कि जो बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट कर देती है. ओके, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी. सो दैट आर बोथ आर वर्ल्ड वाइड फेमस एंटीबायोटिक्स, एज वेल एज एंटीफंगल भी हम यूज़ करेंगे फंगल का इन्फेक्शन रोकने के लिए. अगर कोई हमने माप लिया कि यस बैक्टीरिया और फंगल का जो कंटामिनेशन है वो लगा है सेल कल्चर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद सेल सस्पेंशन बनाएंगे. ओके, सेल सस्पेंशन को अगर बैक्टीरिया का कंटामिनेशन लगा है तो उसे हम ट्रिप्टोफान सोयाबोन सोया ब्रॉथ के अंदर ग्रो करेंगे, और अगर फंगल का कंटामिनेशन लगा है कल्चर के अंदर तो ट्राई ग्लाइकोलेट मीडियम में उसे ग्रो आउट करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड दैट हाउ कैन द आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल एंड फंगल आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स एंड सम आर द ट्रीटमेंट विच कैन यूज फॉर दैट प्रिवेंशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन इन अवर सेल कल्चर.